मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोग को BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों के लिए प्रायोगिक कक्षाओं की जानकारी देने जा रहा हूँ। यह वीडियो 3 भागों में है। अभी मैं तीसरा भाग इसमें बतलाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है, विशेष डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बाय सिल्वर साल्ट मेथड। सिल्वर साल्ट विधि से ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, हम इसी को इसमें भी देखेंगे। थ्योरी, ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ऑर्गेनिक एसिड पर क्या कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से तो हमको सिल्वर सॉल्ट मिलता है। दिस सॉल्ट इज वॉश्ड ड्राई वेड एंड देन इग्नाइटेड इन ए क्रूसिबल टू सिल्वर एज रेसिड्यू अप टू कॉन्स्टेंट वेट। जो हमें ये सिल्वर सॉल्ट यहाँ मिलता है, ये पहले साफ करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं, वजन लेते हैं, और तब क्रूसिबल में लेकर के इसे इग्नाइट करते हैं, मतलब जलाते हैं। जलाने के बाद सिल्वर मेटल जो है वो रेसिड्यू के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कॉन्स्टेंट वेट तक हम लोग गर्म करते हैं। इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है, देखिए रिएक्शन 1 RCOOH ऑर्गेनिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AQ, इसका जलीय घोल देते हैं। नाइट्रेट AQ मतलब जलीय घोल लेते हैं। इसमें क्या मिलता है, क्या RCOOH सिल्वर कार्बोक्सीलेट मिलता है, इसको हम सिल्वर सॉल्ट कहते हैं, और HNO3 नाइट्रेट प्राप्त होता है। एक और इसी से आता है RCOOH, इन्हें सिल्वर सॉल्ट को मीट करते हैं, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट, इसको हम हीट करते हैं तो मिलता है गर्म, हीट कर जलाते हैं, उसमें लेकर जलाते हैं तो पाते हैं क्या, सिल्वर मेटल मिलता है रेसिड्यू के रूप में, अवशेष में हमको सिल्वर मेटल मिलता है, CO2H2O गैस बनके निकल जाता है, वाष्प बनके निकल जाता है। तो सिल्वर कितना निकला हमको, इसके आधार पर गणना करते हैं और पता करते हैं कि दिए गए ऑर्गेनिक एसिड का कितना मोलिकुलर वेट है। एक फॉर्मूला भी है, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड इक्वल वेट इनटू बेसिसिटी इक्वेशन ए है। तो इक्वेशन ए के आधार पर निकालते हैं दिए गए ऑर्गेनिक एसिड का मोलिकुलर वेट, जिसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होगा और इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में उसकी बेसिसिटी से गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड होगा। इस प्रकार से थ्योरी हो गया। अब देखें हम लोग प्रोसीड्यू, क्या प्रोसेस है। प्रोसीड्यू, 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड वाज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट NH4O सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तनु घोल में 1 ग्राम ऑर्गेनिक एसिड को घुलाया गया। एक्सेस अमोनिया गैस, और जो उसमें प्रतिक्रिया का अमोनिया गैस बची बनी उसको विलयन को उबाल करके निकाल दिया गया। देन अलाउ टू कूल, इसके बाद हम लोग ठंडा करते हैं, कूल द सॉल्यूशन। नाउ कॉन्क AgNO3 AQ सॉल्यूशन, टेट का शांत जलीय घोल में डालते हैं, कितने वन एडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। इस अमोनियम सॉल्ट यहाँ बना रिएक्शन के बाद उसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का सांद्र जलीय घोल डालते हैं,
White precipitate of silver salt was obtained, तो हम लोग को सिल्वर सॉल्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। दिस प्रेसिपिटेट वाज वॉश्ड एंड ड्राइड, इसको हम लोग धो करके सुखा लेते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट वाज यूनाइटेड इन क्रूसिबल, और उसमें से 0.5 ग्राम सिल्वर सॉल्ट को हम लोग क्रूसिबल ले करके और इसको जलाते हैं। देन सिल्वर मेटल वाज ऑब्टेंड एज रेसिड्यूज, तो जब जलाया गया तो क्या हुआ, लाने पर हम लोग को सिल्वर मेटल रेसिड्यू के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये हो गया प्रोसेस, प्रोसीड्यू कैलकुलेशन। क्या देखते हैं, वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट W1 हमने लिया कितना, 0.5 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम। वेट ऑफ सिल्वर रेसिड्यू W2, ये जलाने के बाद इग्नाइट हुआ, उसका निकला 0.323 ग्राम। ये गन्ना करके देखा गया कि रेसिड्यू का मान है इतना, हमने सॉल्ट लिया था इतना। अरे फॉर्मूला है ना, हो वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट बाय वेट ऑफ सिल्वर रेसिड्यू, कुल क्या हो गया, इक्वल हो गया ERCOO- प्लस EAG बाई EAG। इसमें जो है ERCOO- जो है ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयरन का इक्विवेलेंट वेट, और ये AG हुआ सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी AG सिल्वर का वेट है। तो अब देखें, और वेट ऑफ AG सॉल्ट हमने लिया था W1, ये हुआ, और वेट ऑफ सिल्वर रेसिड्यू W2, फिर कितना हो गया ERCOO-। अब प्लस में हो गया 108, क्या AG का इक्विवेलेंट वेट होता है 108, तो यहाँ दे दिया गया, यहाँ भी AG 108 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ तक भी देखें, अब आगे देखें, और ERCOO- प्लस 108 इक्वल 108 इंटू W1 बाई W2 इक्वल 108 इंटू 0.5 बाई 0.323, और ERCOO- इक्वल 54 बाई 0.323 माइनस 108 इक्वल 167.18 माइनस 108। देयरफॉर ERCOO- इक्वल 59.18। नाउ करंट वेट ऑफ RCOOH इक्वल ERCOO- प्लस EH प्लस इक्वल 59.18 प्लस 160.18। इट मींस करंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इक्वल 60.18। नाउ मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इक्वल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इनटू बेसिसिटी, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड 60.18 एंड बेसिसिटी 1, देन 60.18 विल बी मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और बेसिसिटी 1। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 का जवाब हमको मिल गया। हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका मॉलिक्यूलर वेट 60.18 पाया गया, क्योंकि यह एसिड जो था वो मोनोबेसिक एसिड था, यदि डाइबेसिड होता तो इसमें 2 से गुना हो जाता, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से गुना हो जाता।
ये होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन 2 के बारे में, प्रिपेरेशन ऑफ एम डाइनाइट्रोनिलीन फ्रॉम एन डाइनाइट्रोबेंजीन। एम डाइनाइट्रोबेंजीन से एम नाइट्रोनिलीन बनाने के लिए हमें देखिए क्या करना है, हेल्प करें, प्रिपेरेशन ऑफ एम नाइट्रोनिलीन फ्रॉम एम डाइनाइट्रोबेंजीन। एम डाइनाइट्रोबेंजीन से एम नाइट्रोनिलीन बनाना, थ्योरी देखें, थ्योरी, एम डाइनाइट्रोबेंजीन इज पार्शियली रिड्यूस्ड बाय सोडियम पॉलीसल्फाइड टू एम नाइट्रोनिलीन। ये Na2H2 तो इसको हम सोडियम पॉलीसल्फाइड कर सकते हैं। इसके प्रेस रिएक्शन जो होता है जिसमें एक Na2 जो है वो Na2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया पार्शियल रिएक्शन, हो गया पार्शियल रिएक्शन। क्या एम डाइनाइट्रोबेंजीन में दो Na2 था, जैसे एम Na2 Na2 बन गया, रिएक्शन हुआ, दोनों रिड्यूस नहीं हुआ, दोनों Na2 रिड्यूस ना हुआ बल्कि एक ही Na2 रिड्यूस हुआ क्योंकि सोडियम पॉलीसल्फाइड की वजह से। क्या बन गया, एम नाइट्रोबेंजीन। तो एम नाइट्रोबेंजीन से एम नाइट्रोनिलीन का ये थ्योरी हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए प्रोसीड, 12 ग्राम ऑफ Na2S सोडियम सल्फाइड, 3 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 50 मीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर वेयर बॉइल्ड टिल द क्लियर सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन। 12 ग्राम सोडियम सल्फाइड, 3 ग्राम सल्फर और 50 मीटर डिस्टिल वाटर लेकर के इसे बॉयल किया गया। तब तक हम क्या, जब तक बॉयल किया गया जब तक कि क्लियर सोल्यूशन नहीं मिला, जब सोल्यूशन क्लियर मिल गया उसका क्या करते हैं, क्लियर सोल्यूशन वाज ऑब्टेंड। नाउ 7.5 ग्राम ऑफ एम डाइनाइट्रोबेंजीन वाज हीटेड इन 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर अप टू बॉइलिंग। अब 150 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में 7.5 ग्राम एम डाइनाइट्रोबेंजीन मिलाकर के बॉइल किया गया। द डाइसल्फाइड सॉल्यूशन वाज एडेड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ एम डाइनाइट्रोबेंजीन विथ विगोरस स्टाइरिंग। क्या करना है, जो हमने ऊपर से बनाया सॉल्यूशन सोडियम सल्फाइड सल्फर और वाटर का, उसको मिलाना है किसमें, एम डाइनाइट्रोबेंजीन के सोल्यूशन में लाना है। नहीं, विगोरस मतलब तेजी से हिलाते रहना है। विगोरस स्टाइरिंग मतलब तेजी से इसको हिलाते रहना है, स्टाइरिंग करते रहना है। द मिक्सचर वाज बॉइल्ड फॉर हाफ आवर, आधा घंटे तक हम लोग मिक्सचर को गर्म करते हैं, हम लोग उबालते हैं, हाफ आवर तक उसको उबालते हैं। 100 मीटर ऑफ हॉट वाटर वाज एडेड टू इट, उसके बाद हम लोग 100 मीटर हॉट वाटर मिलाते हैं सोल्यूशन में एंड बॉयल फॉर 50 मिनट्स, और हम लोग 15 मिनट के लिए इसको हम लोग बॉयल करते हैं, हम लोग उबालते हैं 15 मिनट्स तक, हम लोग इसको बॉयल करते हैं। द बॉइलिंग सोल्यूशन वाज फिल्टर थ्रू ए हॉट वाटर फनल, हॉट वाटर फनल के माध्यम से हम जो बॉइलिंग सोल्यूशन मिला उसको छानते हैं। छानने का क्या मिलता है, द फिल्ट्रेट वाज कूल्ड एंड फिल्टर वॉश्ड एंड विथ कोल्ड वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। तब देख क्या, जो फिल्टर मिला द फिल्ट्रेट वाज कूल्ड, ठंडा करते हैं एंड फिल्टर छानते हैं, वॉश करते हैं विथ कोल्ड वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, जितना क्या हम लोग पढ़े क्या बताते हैं जो एसिड मिलता है। द प्रेसिपिटेट वाज रीक्रिस्टलाइज विथ हॉट वाटर, गर्म जल के साथ फिर रीक्रिस्टलाइज करते हैं, हाँ जो क्रिस्टल मिलता है। द फिल्ट्रेट वाज कूल्ड एंड फिल्टर वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर, इसमें जो फिल्ट्रेशन करना पड़ता है जैसे कि हम लोग को प्रेसिपिटेट मिलता है, उस प्रेसिपिटेट क्या करते हैं रिक्स मतलब फिर से रवाकरण करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को हॉट वाटर लेना पड़ता है और रिक्स लाइन होता है जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको वॉश करते हैं,
ड्राई करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एग्जामिनर के पास, तो उसमें यील्ड कितना पाया जाता है, 7.5 ग्राम लिए थे एम राइटोबेंजीन, हमको मिला कितना है 4.5 ग्राम एम नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हुआ। मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 114 डिग्री से हुआ। ब्राइट येलो कलर इसमें पाया गया क्रिस्टल का। इस प्रकार से हम लोगों ने एम डाई नाइट्रो बेंजीन से एम डाई नाइट्रो एनिलीन प्राप्त किया। इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और मैंने पहले कहा था कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो ही प्रैक्टिकल के तीनों पार्ट्स को आप देख पाएंगे। तो ध्यान रखें, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।